कितना मिलता है? अभी हम लोग को 2000 और आंगनबाड़ी को? आंगनबाड़ी को 4000 हम लोग को 2000 फिर मैडम मेरा 1.5 साल से मानदेय नहीं दिया और मैं बहुत परेशान हर जगह हो जाएगी विकास भवन भी मैडम से भी कहा और डीएम के साहब के पास भी 3 बार की मेरी कोई सुनाई नहीं। मेरा 1 साल 18 महीना से मेरे वेतन पड़ा 1.5 साल। आपका गांव कब गोद लिया गया था? 2014 तो कितने बच्चे कुपोषण मिले हैं अभी? आज कल हमारे यहाँ भोजन दिवस हुआ, उसमें 2 अधिक कुपोषित थे, 12 मेरे आंशिक पीले में है, 82 बच्चे हैं जिसमें 5 साल में, जिसमें कि 75 बच्चों का भोजन हुआ, 8 बच्चे बाहर। आपका गांव डे गोद लिया था बच्चों के लिए कुपोषण, उसमें क्या किया गया? उसमें ये होता है कि बच्चों की देख रेख होती है, फिर हम जो बच्चे कुपोषित निकलते हैं उनको हम घरवास में भेजते हैं, स्वस्थ होकर आते हैं, उनके लिए पोषाहार आता है वो देते हैं हम, जो अकुपोषित बच्चे होते हैं उसको महीने में 5 पैकेट दिया जाता है, हमारे बच्चों को 15 पैकेट जाता है लोग के यहाँ, और अगर टीकाकरण हुआ तो टीकाकरण हो गया। कहाँ लेवा के गए थे? अरे हमारा दिलवाई बुला तो अस्पताल में जांच हुई थी ना बच्चों की, किसकी किसकी आपको कुछ बचे तो बुला सब आंगनबाड़ी लेवा के गए थे अपने दिलवाई। कितने साल की है पौने? 4 साल। और वजन कितना है इसका? 9.5 किलो 9.5 किलो इतने की बस। जब से पैदा हुई इतनी नहीं कुछ, अब यहाँ बढ़ती आ रहे हैं। तो इसका खाने पीने का किस तरह की व्यवस्था कर रही हैं? क्या है आपको वहाँ आंगनवाड़ी बताती है? नहीं सब बताते हैं, जब नहीं पड़ता है इसमें तो क्या है, खाती तो सब है, घर मिला तो केंद्र कब से बंद करे हैं? 18 सितंबर से। किस कारण से? धरना के लिए, इसलिए कि हमारा पैसा बढ़ जाए। कितना मांग कर रहे हैं? 18,000 मांग कर रहे हैं। और आपकी क्या मांग है? अब ये कि मतलब हमको परमानेंट कर दें। जैसे आप केंद्र बंद करे रहती है, आपके बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको लिए किस तरह का सुबह शोषण पड़ रहा है पढ़ाई में? पर तो रहा हमारा योगी जी हमारा मानदेय बढ़ा दे, हम बंद कर देंगे। जब तक योगी जी हमारा मानदेय नहीं बढ़ाएगा हम धरना नहीं देंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे, हमारा धरना जारी ही रहेगा। पूरे जिले में धरना चल रहा है ये बता रही है। अब मैंने रिपोर्ट मांगा है तो कहती है हम आ रहे हैं देंगे रिपोर्ट, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन हमारी पूर्ति हो जाएगी, हम मैडम खोलेंगे केयर। इस केस में जिला कार्यक्रम अधिकारी इशरत जहां से बात करने के लिए कई बारी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया।